अगर ब्लॉक कर ही दिया तुमने तो मुझे ब्लॉक ही रहने दो। सो हेलो गाइस, आप देख रहे हो ऑफिशियल सिलसिले में, मेरा नाम है संजय। अभी जो स्टार्टिंग में जो व्हाट्सएप स्टेटस फुल स्क्रीन स्टेटस वीडियो देखा, तो आप लोगों को फुल डिटेल्स में मैं एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे जुड़े रहना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना है, तो हर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो इस वीडियो का जो मटेरियल रिलीज करेंगे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये एप्लीकेशन की जरूरत है वो क्राइम मास्टर एप्लीकेशन, बिना वाटर क्राइम मास्टर एप्लीकेशन मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो हेलो गाइस, क्राइम मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लें। यहाँ पे मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर के साइड में दिख जाएगा प्लस वाले क्रिएट न्यू दिख जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे 9:16 को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना। तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं कलर, कलर पे क्लिक कर देना। तो कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैक कलर इमेज को सिलेक्ट करने में यहाँ से निकल जाना है। उसके बाद क्या करना है, इस ब्लैक कलर इमेज को क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको बढ़ा लेना है इसके इस तरह, इसको बढ़ा लेने के बाद स्टार्टिंग पार्ट पे जाना है। तो स्टार्टिंग पार्ट पे आने के बाद इसमें लेयर पे दिख जाएगा, लेयर पे क्लिक कर देना। तो लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक कर देना। तो मीडिया पे क्लिक करने में इसको क्या करना है, एक फोटो सिलेक्ट कर लेना है, आपके हिसाब से कुछ भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, आपके हिसाब से कुछ भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लेना है कुछ भी एक। इस फोटो सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है दोस्तों, इस फोटो को क्लिक कर देना है। फोटो में क्लिक करने है, यहाँ पे ऊपर साइड में दिख जाएगा, इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करना है, फुल स्क्रीन पे कर देना। तो फुल स्क्रीन पे करने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ से क्लिक करके निकल देना है। उसके बाद इसको फुल हाई कर लेना है, इसको बढ़ा लेना है लास्ट पोजिशन तक, इस लास्ट पोजिशन तक बढ़ा लेना है। स्टार्टिंग पार्ट पर देना है, तो स्टार्टिंग पार्ट पर आने के बाद इसको लेयर दिख जाए, लेयर पर क्लिक कर देना है। इसको मीडिया पर क्लिक कर देना है, तो मीडिया पे क्लिक करना है। उसके एक टेम्पलेट वीडियो ऐड कर लेना है, इस टेम्पलेट वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, वहाँ से क्लिक डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसको क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है स्प्लिट स्क्रीन दिख जाए, इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है। यहाँ पे फुल स्क्रीन पे करने के बाद इसे नीचे आ जाना है, नीचे आके यहाँ पे ब्लेंडिंग दिख जाएगा, तो ब्लेंडिंग में क्लिक कर देना है। ब्लेंडिंग में क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, यहाँ पे स्क्रीन दिख जाएगा, तो स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है, लास्ट पे चलने का देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको स्पीड दे देना है, यहाँ पे स्पीड दिख रहा है, यहाँ से स्पीड में क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको स्पीड बढ़ा लेना है, स्पीड बढ़ा लेने के बाद इसको क्या करना है, स्पीड में क्लिक करना है, इस वीडियो में क्लिक कर देना है। इसको इस तरह कंप्लीट में इसे एडजस्ट कर लेना है। स्टार्टिंग पार्ट पर जाना है, तो स्टार्टिंग पार्ट में आने के बाद इसको लेयर दिख रहा है, लेयर पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है। तो मीडिया पर क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है, एक ब्लैक कलर टेम्पलेट वीडियो ऐड कर लेना है। इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इस ब्लैक कलर वीडियो को यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन दिख जाएगा, इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है। यहाँ पे फुल स्क्रीन पे करने के बाद यहाँ से निकल जाना है। तो निकलने के बाद इसको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे जाना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग दिख जाएगा, तो ब्लेंडिंग में क्लिक कर देना है। तो ब्लेंडिंग में क्लिक करना है, यहाँ पे स्क्रीन दिख जाएगा, तो स्क्रीन में क्लिक कर देना है। तो स्क्रीन में क्लिक करने के बाद इसको ऊपर आ जाना है, इस पर ऊपर आके यहाँ पे दिख रहा है ऑडियो को ऑफ कर देना है, इसको इसका ऑडियो को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद लास्ट पोजिशन तक आ जाना है, इसको कैंची दिख रहा है, कैंची में क्लिक कर देना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। ट्रिम टू राइट करने के बाद स्टार्टिंग पार्ट पर जाना है, तो स्टार्टिंग पार्ट पर इसको क्या करना है, लेयर पर आ जाना है, तो लेयर पर मीडिया पर जाना है। तो मीडिया पर आके इसको क्या करना है, एक सॉन्ग दे देना है, इस सॉन्ग को ऐड कर लेना है। इस सॉन्ग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इस सॉन्ग को ऐड कर लेते हैं, इसको क्या करना है, अभी स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग पे आके स्क्रीन पे कर देना है। तो स्क्रीन पे करने के बाद इसको ऐसे निकल जाना है, तो निकलने के बाद इसको जूम कर लेना है, इस तरह थोड़ी सी छोटी कर लेना है, इस तरह छोटी करने के बाद इसको इस तरह सेट कर लेना है। थोड़ा सा वीडियो को आगे तक लेकर आना है, इस तरह आगे तक लेकर आना है। इसको क्या करना है, इसको और थोड़ी सी छोटा कर लेना है, इस तरह सेट कर लेना है। तो सेट करने में लास्ट पोजिशन तक आ जाना है, तो लास्ट पोजिशन तक आने के बाद इसको क्या करना है, ये सॉन्ग दिख रहा है, सॉन्ग जितना है उतना ही सब वीडियो रखना, यहाँ पे दिख रहा है सॉन्ग जितना है उतना ही तक ही रखना है। इसको ब्लैक कलर वीडियो इमेज को क्या करना है, काट कर लेना है, टेम्प टू राइट कर देना है।
ये जो वीडियो ऐड किया था इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है, इस तरह ब्लैक कलर इमेज जितना है उतना तक बढ़ा लेना है। इस वीडियो का कट क्या करना है, इसको भी बढ़ा लेना है। इसको क्या करना है, स्पीड दे देना है, स्पीड दिख रहा है, इसको स्पीड दे देना है। स्पीड में आके इसको क्या करना है, इस लास्ट पोजिशन तक आके इसको इससे एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट करने के बाद इसको क्या करना है, जो इमेज सेलेक्ट किया था इस इमेज को क्लिक करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट करके इसको क्या करना है, लास्ट फर्स्ट पोजिशन तक आ जाना है। इसको यहाँ पे लेयर दिख रहा है तो लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे दिख रहा है मीडिया पे क्लिक करने के बाद इसको और एक ब्लैक कलर इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैं इस वीडियो का जितना मटेरियल यूज करूँगी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इस ब्लैक कलर इमेज को कहाँ आ गया, इस ब्लैक कलर इमेज को क्लिक कर देना है। इसको क्या करना है, ब्लैक कलर इमेज पर क्लिक करके यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे फुल स्क्रीन पे कर देना है। तो फुल स्क्रीन पे करके यहाँ पे क्या करना है, इसको लास्ट पोजीशन तक बढ़ा लेना है। लास्ट पोजीशन तक बढ़ा लेने के बाद इसको क्या करना है, वीडियो में इमेज में क्लिक करना, इसको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। ब्लेंडिंग दीजिएगा तो ब्लेंडिंग पे आके स्क्रॉल करके नीचे आके स्क्रीन पे कर देना है। तो स्क्रीन पे करने के बाद इसको फर्स्ट पोजीशन पे आके इसको प्ले करके देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कितना हुआ वीडियो। तो इस तरह मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, एक्सपोर्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट दिख रहा है तो एक्सपोर्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना है, फ्रेजर को हाई करके यहाँ 50 रहना देना, इस सिचुएशन को हाई करके रहना है। यहाँ पे नीचे दिख रहा है सेव वीडियो, तो सेव वीडियो में क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दे देना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।